My name is Sunit Sharma, chef based in Goa, also the founder of the Modern Hospitality Consultants. And today we are going to a small demonstration of Tex-Mex, or rather I would say Indianized Tex-Mex cuisine. We are going to make some tacos and quesadillas. And with me, the surprise that I had said to you yesterday, the most important part of this demonstration today is our chief tasting officer, Shivani, my daughter, who is 14 years old, and she'll be assisting me in the demonstration. And also she'll tell you a little bit story about the Amul factory visit that they had a few months back from the school. It was fun. Okay, we're going to talk about that in a bit, and by the time, shall we start? Okay. जो हम आज बनाने वाले हैं, I will be talking in Hindi and English. If there is any question, any clarification, anything, please put on the comments. And I am very ably assisted and photographed very well today, filmed very well today by our chief photo shoot expert, Vaishali, who's behind the camera. And she'll be reading out the questions. In case there is something, let me know. Give me a shout and we'll be answering your questions and clarifications then and there. Okay, shall we begin? If you can just pan across, आप दिखाइए जो हम ingredients already यहाँ पे रखे हैं, जो चीज़ें हम लोगों ने जमा करके रखी हुई है. दो चीज़ें हम करने वाले हैं. जैसे हमने बताया, पहले हम एक टैको बनाएंगे और टैको के बाद में फिर हम कैसेडिया बनाएंगे. कुछ मिजाम्पला जैसे मैं आपको बताऊंगा जब हम यूज़ करेंगे. पहले ये राजमा, वहाँ पे मेक्सिको में राजमा बीन्स कुछ रीजन्स में यूज़ करते हैं और कुछ रीजन्स में पिंटो बीन्स यूज़ करते हैं. बट आप राजमा, ये भले ब्राउन राजमा यूज़ करें, आप डार्क छोटे वाले जो कश्मीर जम्मू के राजमा होते हैं वो यूज़ करें, जिस किस्म का भी आपको बीन मिले, जिस किस्म का भी आपको किडनी बीन मिले, आप यूज़ करें. ये पिकल्ड अनियंस, जिसको हमने एक दिन पहले थोड़ा सा विनेगर, सॉल्ट, शुगर में रखा था. आप सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा पिंक कलर कैसे आया है. ये एक होटल ट्रिक है, टिप है आपके लिए. इसको आप छोटा सा एक पीस बीटरूट भी रखा करें साथ में, इससे इसका कलर और सुंदर पिंक ऐसा आ जाता है. ये है स्वीट कॉर्न, जिसको हमने बॉईल करके निकाल के रखा हुआ है. पोमोग्रेनेट सीड्स, अलग अलग यूजेज है. पहले आपको मिजाम्पला एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम यूज करेंगे, फिर बताऊंगा. ये कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स है, मिक्स्ड बॉइल्ड वेजिटेबल्स. इसमें कैरेट, बीन्स, कॉलीफ्लावर, ग्रीन पीज एटसेट्रा. वन ऑफ द मोस्ट की इंग्रेडिएंट्स, द नेक्स्ट वन, दिस इज व्हाट वी कॉल रीफ्राइड बीन्स. आपने कई बार सुना होगा रीफ्राइड बीन्स यूज करते हैं मैक्सिकन क्विजीन में. रीफ्राइड बीन्स को रीफ्राई नहीं करते हैं. उसके लिए फर्स्ट स्टेप यही है जो मैंने आपको पहले दिखाया था. पहला स्टेप यही होता है, आप राजमा को अच्छे से ओवरनाइट सोक करें, फिर उसको बॉईल करके रखें. बॉईल करने के बाद फिर उसको आप मिक्सी में रफ पेस्ट बनाएं. मिक्सी में आप उसको रफ पेस्ट बनाएं. रफ पेस्ट मतलब आप बिल्कुल स्मूथ फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सा दरदरा हो, थोड़ा सा रफ हो. और उसको आप सेकेंड टाइम, जैसे पहली बार आपने कुक किया तो बॉईल किया था, सेकेंड टाइम आप इसको आप सॉटे करेंगे. सॉटे मतलब थोड़ा सा भुने. नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं, सोयाबीन हो, सनफ्लावर हो, जो आपको पसंद है. आपको थोड़ा सा इंडियनाइज फ्लेवर चाहिए, आप घी और बटर यूज करें. आज हमने इसमें इंडियनाइज किया है, इसको हमने अमूल बटर में तड़का लगाया. तड़का करने के वक्त इसमें थोड़ा चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड अनियन, हल्का सा जीरा का तड़का. जीरा और कोरिएंडर, क्यूमिन एंड कोरिएंडर, ये दो इंग्रेडिएंट्स हैं जो इंडियन एंड मैक्सिकन क्विजीन को, प्लस चिलीज ऑफ कोर्स, चिलीज, ये तीन इंग्रेडिएंट हैं जो बहुत ही ज्यादा क्लोजली कनेक्ट करता है. एंड इसीलिए मैक्सिकन क्विजीन हम इंडियंस को बहुत पसंद आता है और लगता है कि ये तो हमारी जानी मानी, जानी पहचानी एंड वेरी टेस्टी क्विजीन वी थिंक इट इज. दैट्स व्हाई इट अपील्स टू अस, बिकॉज दीज आर फेमिलियर इंग्रेडिएंट्स फॉर अस. तो जैसे मैंने बताया, पहले इसको पेस्ट किया, फिर अमूल बटर में चॉप अनियन, चॉप गार्लिक एंड हल्का सा जीरा डाल के इसको हमने तड़का लगाया. थोड़ी देर भुना, भुना आप उसको थोड़ा थोड़ा पानी करके इनकॉर्पोरेट करें. जितना गाढ़ा चाहिए, जितना आपको सूखा चाहिए, वैसे ही करें, जो आपके पसंद के अनुसार है. ये आप बना के एडवांस में रख सकते हैं, जब आपको खाना है तब आप वापस गर्म करके खाएं, ठंडा भी खा सकते हैं. इसके मल्टीपल, रीफ्राइड बीन्स के मल्टीपल यूजेस हैं. आप इसको नाचोस के साथ खा सकते हैं, डिप की तरह यूज कर सकते हैं, फिलिंग के जैसे यूज कर सकते हैं. नाचोस के अलावा आप सिंपल वेजिटेबल क्रूडिट्स कहते हैं, जैसे हम
सिंपल वेजिटेबल के फिंगर कट होती है, कुकुम्बर है, कैरेट है, कैप्सिकम है, ग्रीन सैलड के साइड में खा सकते हैं। प्लस आज जो हम करेंगे इसको केसेडिया के अंदर स्टफ करेंगे, टैकोस के ऊपर लगा सकते हैं, बुरीटोस में लगाते हैं। सो इसके मल्टीपल यूजेस हैं, इट इज एक्सट्रीमली हेल्दी, इट इज हाई इन प्रोटीन एंड सुपर फूड। सो इसको आप बना के रखें और फ्रिज में रखेंगे तो 3 दिन तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से रह जाता है। इसके अलावा थोड़े से ये शेडेड कैबेज, पील किया हुआ अनियन, और ये हमारा फेवरेट अमूल पनीर, जिसको मैंने थोड़े से अनियन कैप्सिकम के साथ में टॉस करके रखा है, जिसको आप बोलते हैं पनीर भुर्जी। ये मैक्सिकन स्टाइल प्रेपरेशन नहीं कहेंगे, ये इंडियनाइज्ड प्रेपरेशन है, बट इसी तरह से आप कुछ भी फिलिंग यूज कर सकते हैं। ये हमारे टैकोस के ऊपर जाएगा। इसके जगह में आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन, फिश, प्रॉन या कुछ और मीट यूज करें, जो आपको पसंद है वो यूज करें। आज हम वेजिटेरियन बना रहे हैं, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वारंटाइन के दिन है, सब लोग घर में बंधे पड़े हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स बहुत लिमिटेड है, तो हमारे पास जो ये लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स होती है, जो घर में नॉर्मल रखी होती है, जो चीज़ें रखी होती है, उससे आज हम बना रहे हैं। फ्लेवर अलग होगा, फ्लेवर आपको फेमिलियर भी लगेगा बट यूनिक लगेगा। टेक्स मेक्स क्विजीन, आई वुड से इंडियनाइज्ड टेक्स मेक्स क्विजीन। इसके अलावा आप इस जो रखे हुए हैं, ये है सी सॉल्ट। इंस्टेड ऑफ द रेगुलर आयोडाइज्ड सॉल्ट आई रेकमेंड टू यूज सी सॉल्ट। क्यों? इसको हमने रिफाइन नहीं किया है, ये लोकल गोवा का सॉल्ट है। सी सॉल्ट कहते हैं सिंपल सन ड्राइड सी वाटर विच इज नॉट बीन रिफाइंड। सो दैट मीन्स व्हेन रिफाइनिंग इज नॉट डन, देर आर मेनी मोर मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड अदर इंग्रीडियंट्स विच आर प्रेजेंट विच इज गोइंग टू हेल्प अस। सो रिफाइन करने से कई चीजें, कई खूबियां उसमें से निकाली भी चली जाती है, जो लॉस हो जाता है इसमें नहीं होगा। प्लस ऑफ कोर्स अमूल घी, प्लस ये है अमूल घी जो हमारे उसमें काम आएगा, थोड़ा सा पेपर जब हम यूज करेंगे, पेपर यूज करेंगे, टोमेटो केचप यूज करेंगे, ऑलिव ऑयल यूज करेंगे, एंड ऑफ कोर्स जो हमारे सीजनल वेजिटेबल्स हैं सालसा बनाने के लिए, टोमेटोज है, ग्रीन चिलीज है, कैप्सिकम है, ये मैंगोज हैं, कई सारे मेक्सिको में और जैसे इंडियन में हम बनाते हैं, हम कई सारे चटनीज बनाते हैं, उसको वो लोग सालसा कहते हैं। जो हम सालसा बनाएंगे आज, हम दो किस्म का सालसा बनाएंगे, एक हम बनाएंगे टोमेटो सालसा जो थोड़ा सा खट्टा मीठा चटपटा दोनों होता है, और दूसरा हम बनाएंगे मैंगो सालसा। ये दोनों हम लोगों को इसके अकॉम्पनीमेंट के रूप में देंगे। तो शैल वी स्टार्ट मेकिंग? ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए आज, अपार्ट फ्रॉम दीज आर द फ्लेवर्स, दीज आर द फिलिंग, स्टफिंग, जो भी आप कहें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है मेक्सिकन कुजीन के लिए वो होता है टॉर्टिया रैप। टॉर्टिया रैप मतलब हमारा घर का चपाती, जिसको आप रोटी कहते हैं। ये भी मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, ऑफकोर्स इसके लिए मुझे थोड़ा सा हेल्प लगा, जो मेरी वाइफ है वैशाली, वो बहुत बढ़िया चपाती बनाती है। एक ये डिफरेंस है, घर के स्टाइल में जो आप फुलके बनाते हैं, आटे का फुलका होता है वो यूज कर सकते हैं आप। ये हमने मैदे का बनाया है, मैदा और मकई, ये दो जो स्टाइल हैं, ये दो स्टाइल के टॉर्टियास, व्हाट वी कॉल ब्रेड, व्हाट वी कॉल चपाती, द मेक्सिकन्स कॉल इट टॉर्टिया ब्रेड, टॉर्टिया। सो टॉर्टिया मैदे का भी बनाते हैं, और कुछ रीजन्स में ज़्यादा कॉर्न का बनाते हैं। इनफैक्ट मकई या कॉर्न का वहाँ पे बहुत प्रचलन है, अलग अलग किस्म के कॉर्न है, नॉट ओनली द येलो कॉर्न दैट वी सी इन इंडिया, बट दे हैव मल्टीपल वेरियस कलर्ड कॉर्न्स एज वेल। बहुत सारे अलग अलग कॉर्न के वराइटीज़ हैं जो उसको यूज़ करते हैं। सिंपल, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, मकई का आटा, पानी और नमक। ऑफ कोर्स इफ यू आर इन मेक्सिको दे विल ऑल्सो यूज अ लिटिल बिट ऑफ फैट विच इज लार्ड, दैट इज एनिमल फैट दे यूज। हम इंडिया में बनाएंगे जब हमें जरूरत नहीं है, हम उतना कम खाते हैं फैट, आपको चाहिए थोड़ा सा। ऑफकोर्स हमने जो आज किया है, मैदे में हमने थोड़ा सा अमूल का बटर यूज किया, क्योंकि हम उसको और रिच करना चाहते हैं, टेस्टी बनाना चाहते हैं, और अमूल का थोड़ा सा उसमें दूध या दही आप यूज कर सकते हैं, बाकी नमक एंड पानी। इसको गूंद लें, बिल्कुल सॉफ्ट गूंदे आटा को, 1 घंटा उसको रेस्ट करने दे डो को, फिर पतली पतली जैसे आप चपाती बनाते हैं वैसे रोल करें और तवा पे पका लें।
आपको ये दिखेगा, ये ज्यादा इसको कलर करने की जरूरत नहीं है, ये हल्का पका होता है, इसको ज्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल पतली है, आराम से ये पक जाता है। तो हम अभी शुरू कर रहे हैं, पहले हम दो अपने टैकोस बनाएंगे। आप देखेंगे जैसे हमने ये दो चपातीज ले ली, दोनों हल्की सी पकी हुई है, ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पतली है तो पकने का प्रॉब्लम नहीं है, और इसको हम सेकेंड टाइम कुक नहीं करने वाले हैं, ये ऐसे ही होगा। जब तक आप ये देखें तो शिवानी आप अपने अमूल ट्रिप के बारे बताएं, अमूल गए थे कितने दिन, कितने टाइम स्पेंड किया और क्या देखा आपने वहां पे? तो वी वेंट टू अमूल फैक्ट्री, सो आवर स्कूल हैड टेकन अस टू गुजरात, सो वी हैड अ 3-day ट्रिप टू अहमदाबाद, एंड वी आवर लास्ट स्टॉप इन अहमदाबाद वाज एक्चुअली द आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड फैक्ट्री, शॉर्ट फॉर्म इट्स नाउ नोन एज अमूल। सो वी हैड गॉन ओवर देयर एंड वी सॉ द होल प्रोसेस ऑफ पाश्चराइजिंग द मिल्क एंड देन packing it into different packets, and then we were actually shown a documentary how Amul started, and Mr. Varghese Kurien, who was the brainchild of Amul, and how he is the brainchild or his brainchild is Amul. And how he was supported by all the milkmen in Ahmedabad, and actually the factory that we had visited in Ahmedabad was is actually the oldest factory of Amul in India. So there are more factories? There are more factories? There are. Okay. So but you went to the one, which one was that? Where was it located? It was located in Ahmedabad itself, and is that Anand? Anand, okay. So we saw a documentary, and then we saw the whole process of pasteurizing the milk and then packing it, and also we saw how the milk was freeze dried and made into milk powder that like we most probably use in railways and in hotels. We all like to have a cozy cup of chai in hotels and coffee myself. So that and it was so. I was so enthusiastic to learn the Amul is something that I have seen my parents use and seen everyone use since childhood, and to see the whole especially ice cream, I love Amul ice cream, who doesn't love Amul products, not only ice cream, why butter, who can forget butter, ghee, without that what is there in the kitchen? So we saw, and it was so exciting, and we saw a variety of products and products that we have seen from childhood, and how they have come and how they have developed and you know modified to fit today's times, and it was amazing. Okay. That was lovely. There's a question. Shobhaji wants to know if you can use any other substitute for this rock salt. Oh, of course. अगर आप जैसे मैंने तो आपको health benefit बताया कि sea salt मैं use कर रहा हूँ आज. अगर आप घर पे normal iodized salt use करते हैं, जो regular market में बहुत सारे brands हैं जो आता है, अलग अलग companies के, वो Tata हो या आशीर्वाद का हो, Captain Cook हो, there are multiple brands. I mean, इम मटीरियल सारे के सारे, ऑलमोस्ट एवरीबडी मेक्स आयोडाइज सॉल्ट विच इज रिफाइंड एंड फ्री फ्लो. तो फ्री फ्लो करने के लिए कुछ उसमें अलग से एडिटिव्स भी होती हैं, इसीलिए मैंने बोला कि आप अवॉइड करें. अगर आप सी सॉल्ट यूज करते हैं उसकी जगह आप हिमालयन सॉल्ट यूज करें, पिंक सॉल्ट यूज करें, रॉक सॉल्ट यूज करें, ये सारी नेचुरल सॉल्ट हैं जिसको रिफाइन नहीं किया जाता है और एडिटिव नहीं है, इसीलिए मैंने बोला आपको नॉर्मल सॉल्ट की जगह में अगर आप ऐसे नेचुरल सॉल्ट यूज करें रादर देन द रेगुलर यूज सॉल्ट. जो भी सॉल्ट यूज करें आपको अपना टेस्ट जरा सा टेस्ट में फर्क होता है, आपके अनुसार टेस्ट के अनुसार स्वादानुसार आप इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है. Also, in case you have to use corn flour, what is the proportion? Okay, there is a difference, rather I would say clarification. It is not corn flour, it is called मकई का आटा जिसको आप कहते हैं, या मेज फ्लार. When you say मेज फ्लार, that is important.
कॉर्न फ्लावर जो आता है वो कॉर्न स्टार्च होता है, जिसको आप चाइनीज में यूज करते हैं क्विजीन में पानी में घोल के उसको सॉसेस को थिकन करने के लिए। तो कॉर्न फ्लावर नहीं, मकई का आटा जिसको आप खरीदते हैं मकई का रोटी बनाने के लिए, सिंपल उसी को आप यूज करें। और उसमें आप जरा सा अगर आपको बाइंडिंग करने और चपाती रोल करने के लिए दिक्कत आएगी, मकई इतना आसानी से बनता नहीं है, मकई जुड़ता नहीं है, जरा सा गर्म पानी में उसको गूंदे और 10-20% अगर आप उसमें आटा नहीं तो मैदा मिला ले तो आपको हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। आप अच्छी गोल पतली चपाती फिर आराम से बना पाएंगे। क्योंकि आप ध्यान रखें जो मेक्सिकन फूड है इसके लिए जो मकई के चपातीज हैं ये थोड़े से फोल्डेबल या प्लायबल होने चाहिए, जिसमें आपको मैदा या आटा यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप सिंपल मकई यूज करेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं बनेगी, आप इसको फोल्ड नहीं कर पाएंगे। आगे आप देखेंगे कि इसका खाने का तरीका और फिनिशिंग जो है दोनों में फोल्ड करना है तो ये नहीं कर पाएंगे। अगर प्लेन मकई हो, मकई की रोटी क्रिस्प हो जाती है, कड़क हो जाती है, फोल्ड नहीं हो पाती है, टूट जाती है, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा सॉफ्ट और प्लायबल रखना है। इनफैक्ट वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू हैड आस्क्ड, इसी से मैं बताऊंगा कि आप घर पे नाचोस कैसे बना सकते हैं। मकई का आटा लें, उसमें 10-20% आप मैदा नहीं तो आटा यूज करें, सॉल्ट, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, नमक एंड थोड़ा तेल, और उसको आप नॉर्मल जो हल्का सा वार्म वाटर के साथ में आप गूंद लें, सॉफ्ट डो बनाएं, फिर उसको पतली चपाती बनाएं जैसे हमने अभी दिखाया आपको, हाफ कुक करें, हाफ डन करें, ज़्यादा देर कलर करने के लिए ना करें, जस्ट वो सब थोड़ा सा सेट हो गया तवा पे, अपने शेप अपने पसंदीदा शेप में कट करें और उसको क्रिस्प फ्राई कर लें। ऐसे करने से जब आप तवा पे पका रहे हैं तो उसमें ऑयल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, वो सूखा होना चाहिए और उसमें ज़्यादा आप आटा भी लगाएं ना, ड्राई पकाएं, ठंडी हो जाएगी, कट करें और मीडियम हॉट तेल पे क्रिस्पी फ्राई करें, आप घर बैठे बैठे ही नाचोस का मजा ले सकते हैं। अगेन अनदर रेसिपी, व्हेन इन लॉकडाउन व्हेन थिंग्स आर नॉट अवेलेबल यू कैन मेक इट एट होम आराम से। ख्याति जी वांट्स टू हैव अ रीकैप, कैन यू, ऑफ द नाचोस और व्हाटएवर वी हैव डन सो आई विल गिव यू अ रीकैप। आई विल बी स्पीकिंग अबाउट एवरीथिंग एज आई एम प्रोग्रेसिंग एंड डूइंग द डिशेस। अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अभी हम सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट द टैकोस और द कैसेटिया, सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना सालसा। किसका फेवरेट है सालसा यहाँ पे? उस ऑफ कोर्स द चीफ टेस्टिंग ऑफिसर ऑफ आवर कंपनी एंड आवर फैमिली, शी इज माय बिगेस्ट फूड क्रिटिक एट होम एंड बिकॉज शी लव फूड, ऑल ऑफ अस लव फूड, वी ऑल अ फूडी फैमिली एंड दैट्स व्हाई वी डू वी एंजॉय दिस। सालसा बना लेता हूँ मैं, कट करता हूँ सो दैट हम जल्दी जल्दी कर लें। इसके लिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, सिंपल इन्ग्रीडियंट्स हैं यहाँ पे, टमेटोज नाइस राइप रेड वंस। मैं आज ये कच्चा सालसा बना रहा हूँ, बट सालसा के अलग अलग रूप है, मैं आपको बताता रहूंगा साथ में और भी क्या कर सकते हो। इस टोमेटो को आप चाहिए तो इंस्टेड ऑफ हैविंग रॉ टोमेटोज, ये सबसे सिंपल तरीका है, आप इसको रोस्टेड भी बना सकते हैं, रोस्टेड टोमेटोज अवन में हो या फायर पे डायरेक्टली बर्न कर ले, वैसा सालसा भी बना सकते हैं, वैसा भी होता है। आप इसको चाहिए इंस्टेड ऑफ हैंड चॉपिंग दिस, इफ यू वांट जस्ट ब्लेंड इट इन द मिक्सी, बोलते हैं जिसको बोलते हैं ना पल्स करते हैं, तो उसमें रफ चॉप हो जाता है, फाइन प्यूरे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फाइन चाहिए तो आप फाइन भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से है, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप कर लें। इसमें मैंने इसको हल्का सा दरदरा, आप देखेंगे बहुत फाइन भी नहीं है, रफ चॉप, इससे आपका फाइबर इंटेक भी अच्छा होगा। टमेटोज ऑफ कोर्स इज वेरी वेरी हेल्दी, वेरी गुड फॉर स्किन, वेरी गुड फॉर हेल्थ। सेम वे जो कैप्सिकम है आप देखेंगे, इसको भी मैं सिमिलरली चॉप कर रहा हूं, यही चीज आप मिक्सी में कर सकते हैं, आपके मर्जी है, या आप आजकल बाजार में कई सारे अलग अलग किस्म के चॉपिंग मशीन्स भी हैं, बट आई प्रेफर टू डू इट विथ हैंड। अगर आप क्वांटिटीज देखेंगे तो इसमें जो टोमेटोज है, सिंस इट इज अ रेगुलर सालसा टोमेटोज सबसे ज्यादा है, कैप्सिकम एंड अनियन इज अ लिटिल लेस। And I'm doing this with a simple home style knife.
not using any chef's knife, big knife, extra sharp knife, नहीं. Green chili, आपके हिसाब से, अपने पसंद के अनुसार, जितना आप spicy खाना चाहते हैं, उतना आप spicy ले. हम थोड़ा सा spicy खा लेते हैं. Instead of green chili. Sorry to keep you all waiting. Some technical error with our internet connection. You know how it is with data these days. Internet goes on and off. Very sorry for this inconvenience caused to you. And shall we continue? We were making the salsa as I had shown you before we went offline. Now since we are back online, there is chopped tomatoes, there is capsicum, there is green chilies, and there is onion. So, ये सब हमने चॉप कर लिया है और उसको मिक्स किया है. अब इसमें दो तीन की इंग्रेडिएंट्स और जाने वाले हैं, विच इज लेमन एंड ऑफ कोर्स द वेरी फेवरेट ऑफ ऑल इंडियंस एंड मेक्सिकन्स, विच इज चॉप कोरिएंडर. इसको भी आप जितना फाइन चाहिए, जैसे आपको पसंद है, फाइन करें या थिक रखें, आपके पसंद के अनुसार करें. कुछ लोग इसमें ओरिगैनो भी डालते हैं, आपके पसंद के अनुसार या जो अवेलेबल है. कोरिएंडर जरूरी है, पसंद है आपको, आप मिंट भी डालें. लेमन जूस बहुत जरूरी है एंड ऑफ कोर्स टेस्टी बनाता है. टोमेटोज में अपना खट्टापन भी है, लेकिन टू मेक इट ऑल पुट टुगेदर, टू मेक बाइंड इट टुगेदर ऑल्सो लेमन जूस की जरूरत है. पहले हमने आपको दिखाया था सी सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर, ये हमारे पास पेपर पाउडर है, थोड़ा सा बाइंड करने के लिए एंड थोड़ा सा इंडियनाइज टेस्ट करने के लिए. टेक्स मैक्स में भी कुछ लोग केचप यूज करते हैं, या केचप ना यूज करें. अगर आपको ज्यादा सार हो जाता है, थोड़ा सा शुगर ले सकते हैं बैलेंस करने को. बट हमारे पैलेट के लिए, इंडियंस को कई बार होटेल्स में भी ऐड करते हैं, कई बार आपको बताते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा केचप ऐड करते हैं. इससे ये सॉसी भी बनेगा और हमारे पैलेट के लिए हमें टेस्टी भी लगेगा. तो जो भी आपके पास में टोमेटो केचप है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं चाहिए, जस्ट अ स्पूनफुल इज इनफ. इससे बच्चों को भी ज्यादा पसंद आने लगता है, ऑफ कोर्स बड़ों को तो पसंद आएगा ही. केचप किसको पसंद नहीं है. टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा ऑलिव ऑयल. अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो कोई रेगुलर ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं. सैलड ऑयल बोलते हैं इसको, रिफाइंड ऑयल बोलते हैं. जो भी आपके पास में ऑयल है, जो आपको पसंद है, रिफाइंड ऑयल प्लीज मिक्स. अगर आपको ज्यादा स्पाइसी खाना है, जैसे मैंने आपको बताया, चॉप बढ़ा लें. एलोपिनो चिलीज अगर आपके पास है, बॉटल चिलीज बॉटल में आता है, पिकल किया हुआ आता है, वो आप चॉप करके डालें. नहीं तो आप सिंपल ग्रीन चिलीज ही यूज करें. मार्केट में कई सारे चिली सॉसेज हैं, आप देखोगे ये मेड इन इंडिया. भूत जलोकिया चिलीज अगर आपको पसंद है, भूत जलोकिया वेरी स्पाइसी भूत चिली सॉस है. आपके अनुसार आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं, आपके अनुसार आप इसको चेंजेस कर सकते हैं टेस्ट में, अपना ये पर्सनलाइज हो सकता है. अगर आप इसको बना के सालसा को रखें एक दो घंटे फ्रिज में, तो इसका टेस्ट और बढ़ के आएगा. एक और अकॉम्पनीमेंट जो इसके साथ ट्रेडिशनली जाता है वो है सार क्रीम. अच्छा, इसको आप रख दें साइड में. नेक्स्ट जो हम बनाने वाले हैं, एक और अकॉम्पनीमेंट है, डिप है, जिसको हम कहते हैं सार क्रीम. एक इजी मेथड है और एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग मेथड है. डिफिकल्ट दोनों नहीं है, दोनों बहुत सिंपल है, लेकिन एक सिंपल मेथड एंड क्विक फिक्स मेथड है. दूसरा जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग मेथड है, लेकिन एज सिंपल, दो से तीन इंग्रेडिएंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको चाहिए अमूल क्रीम. हमारे यहाँ पे क्रीम, फ्रेश क्रीम, जो भी आपके पास ब्रांड हो या जो भी आपके पास अवेलेबल है, हम आज अमूल क्रीम यूज करेंगे. अमूल क्रीम को लीजिए. अभी हम टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको, लेकिन टाइम टेकिंग रेसिपी बता देता हूं. अमूल क्रीम में आप इसको ओवरनाइट 5 से 6 घंटे 8 घंटे आप इसको बाहर छोड़ दीजिए. नॉर्मली आप फ्रिज को
फ्रिज में क्रीम को फ्रिज में रखते हो, ठंडा रखते हो, अगर ये टेट्रा पैक है ओपन करने के पहले तो बाहर भी चलता है, लेकिन अगर खुला हुआ क्रीम है अगर आप बाहर रखोगे वो खट्टा अपने आप नेचुरली भी हो जाता है, लेकिन आपकी तरफ से जब आप सार क्रीम बनाना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा लेमन जूस एंड थोड़ा सा दही, ये दोनों जैसे हम घर में दही बनाते हैं, दूध में हम दही डालते हैं स्टार्टर के तौर पे, सार क्रीम बनाने के लिए क्रीम में थोड़ा सा लेमन जूस एक दो ड्रॉप एंड थोड़ा सा आधा चम्मच स्टार्टर दही लगा के क्रीम को आप नॉर्मल किचन में कॉर्नर में ओवरनाइट छोड़ दें, 4 से 5 घंटा 6 घंटा डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर, जरा वार्म जगह पे रहेगा, रात भर में ये सार क्रीम बन जाता है। इसको फिनिश करने के लिए ऊपर में थोड़ा सा सॉल्ट, ये देखिए ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे रहा है तो कैसे अपने आप थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। सार क्रीम जो होता है ये आप जब इसको सार करेंगे तो और गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्ट, ये आपको इंस्टेंट मेथड में बनाना दिखा रहा हूं, एंड लेमन। इसको हम सार क्रीम बोलते तो हैं सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन टेक्निकली इसका नाम है एसिडुलेटेड क्रीम, मतलब क्रीम जिसमें आपने एसिड ऐड किया है, इंस्टेंटली आपका ये सार क्रीम या एसिडुलेटेड क्रीम बन जाता है। क्रीम लिया, सॉल्ट डाला और थोड़ा सा उसमें नींबू आपने डाला एंड मिक्स, मेक श्योर यू मिक्स इट वेल एंड योर अगर आप देखेंगे तो इसका सारा टेक्सचर देखिए थोड़ा सा थिकन होता जा रहा है क्योंकि ये एसिड अब इसको थिकन करेगा। क्वांटिटी चाहिए थोड़ी सी हमें ज्यादा, अभी मैं और जरा सा क्रीम डाल रहा हूं। कैसे थिक हो गया है एसिडुलेटेड क्रीम, या इसको हम इंस्टेंट सार क्रीम भी कहते हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्रीम को खट्टा करना, ओवरनाइट बाहर रखना, जो आपके फ्रिज में 2 से 3 दिन फ्रिज में, एक बार खट्टा हो गया 2 से 3 दिन आप फ्रिज में रखो उसको और जब चाहिए ठंडा यूज करें। एसिडुलेटेड क्रीम इंस्टेंटली बनेगा, ये भी आप 1 से 2 दिन फ्रिज में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये हमारे दोनों टॉपिंग रेडी है, अब हम सार क्रीम एंड टमेटो साल्सा, अब हम इसका पहला डिश बना देते हैं, टैकोस। आज हम जो यूज किया आपको इसके लिए, जैसे आपको पहले बता दिया है चपाती बनाने का तरीका, चपाती बना हुआ है इंडियनाइज्ड, थोड़ा सा चीज स्प्रेड यूज करें। आपको चीज स्प्रेड पसंद है? इससे क्या होगा, आपका चपाती जो है या टॉटिया है जो आपका रैप है मॉइस्ट रहेगा और इसमें सारी टॉपिंग्स जो है ये आपका एक साथ बन जाएगा। इसके ऊपर जैसे हमने बोला आज पनीर का बना रहे हैं, पनीर टैकोस, पनीर जो हमने बना के रखा था थोड़ा सा पनीर कुक किया हुआ है। अगर आपको पनीर, पनीर तो वैसे पका ही होता है, पनीर में कुछ पकाने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको हल्का तड़का लगा के रखा है अनियन कैप्सिकम और हल्दी और सॉल्ट के साथ। अगर आपको चाहिए पका हुआ पसंद है, ऐसा थोड़ा सा चटपटा हो जाता है इंडियनाइज्ड टेस्ट, नहीं तो सिंपल पनीर को आप क्रम्बल करके भी डाल सकते हो।
Okay, I think the volume is coming off. Is the volume on now? Can you hear me clearly? If you can please confirm if the sound is on now. Someone give me a signal. If you can hear me clearly. थैंक यू, आई हैव गॉट 1-2 कन्फर्मेशन दैट साउंड इज ऑन. ओके, जैसे मैंने आपको दिखाया, चपाती के ऊपर थोड़ा सा चीज स्प्रेड लगाया हमने और ऊपर से पनीर के जो हमने सॉटे करके रखे थे पीसेस वो रखा है. इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है, हमने आपको दिखाया था कैसे हमने राजमा बीन्स बॉयल करके रखा हुआ है, ये जरा सा स्प्रिंकल करें. इसमें आपको चाहिए रीफ्राइड बीन्स यूज करना है यूज करें, नहीं तो राजमा बीन्स डायरेक्टली यूज करें. ये अपने पसंद के अनुसार है, जैसा मर्जी आप यूज कर सकते हो. आपको पसंद है थोड़ा सा, ये देखिए, ये अपना जो फ्लेवर आएगा इससे हल्का सा खट्टापन आएगा एंड कलर कितना बढ़िया हो गया है, कितना अच्छा इसको टेक्सचर टेस्ट सब ऐड हो गया है. थोड़ा सा स्वीट कॉर्न जो हमारे पास में बॉईल किया हुआ रखा हुआ है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर क्रंच एलिमेंट, ये थोड़े से पोमोग्रेनेट सीड्स ऊपर टेस्ट के लिए, कलर के लिए, टेक्सचर के लिए, सब कुछ में ये ऐड करेगा. इसको आप थोड़ा सा ग्रेट करें दोनों के ऊपर. चीज़ मेक्स एवरीथिंग गुड, राइट? है ना? ओके, बस दैट्स इनफ. फैंटास्टिक, ये अच्छा स्प्रेड हो गया है और ये आपके टैकोस ऑलमोस्ट रेडी है. इसको थोड़ा सा फिनिश करने के लिए आप देखिए, ये फिनिश करने के लिए हम आज टैको को, सिंस हम लोग सॉफ्ट टैको यूज कर रहे हैं, सॉफ्ट टैको बना रहे हैं, ये क्रिस्प नहीं है. आपने देखा होगा मार्केट में कई सारे ब्रांड्स के क्रिस्प टैको शेल्स आते हैं, ये सॉफ्ट टैकोज हैं. और अगर आपको पसंद है सालसा जो हमने बनाया था, सालसा बनाया था, वो आप सेपरेटली भी दे सकते हैं या आपको अगर पसंद है तो ऐसे थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दें. एंड सार क्रीम को सेपरेटली आप दे सकते हैं. ये आपका पहला डिप. ये आपका दूसरा डिप. ये आपके सॉफ्ट टैकोस रेडी टू ईट. खाने का तरीका नॉर्मली इसको आप ऐसे
कहते हैं काटी रोल, रैप्स बोलते हैं मेक्सिको में इसको, टेक्स मैक्स पनीर, टेक्स मैक्स सॉफ्ट टैकोस। इसको मैं यहां सामने रख देता हूं और हम अभी बनाने लग जाते हैं अपना नेक्स्ट जो है केसेडिया। पनीर कैसे दिया, ये बन गया है पनीर के साथ इंडियन सॉफ्ट टेक्स मैक्स टैकोस। थोड़ा सा इंडियन फ्लेवर है, थोड़े से फेमिलियर फ्लेवर्स हैं और थोड़ा सा इसमें टेक्स मैक्स क्विजीन का टेक्निक है। साथ में आपने देखा ये एसिडुलेटेड क्रीम या सार क्रीम एंड अपना टोमेटो सालसा, स्पाइसी टोमेटो सालसा। अभी आ जाइए इधर, नेक्स्ट डिश पे हम शुरू करते हैं। ये अभी हम बनाएंगे केसेडिया, जिसमें मिक्स वेजिटेबल्स के साथ बनाएंगे। लेकिन अगर आपको पसंद है, नॉन वेज खाते हैं और घर में इस वक्त लॉकडाउन के साथ भी अवेलेबल है, तो आप अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। टेक्निक और कुछ इंग्रेडिएंट्स, बेसिक इंग्रेडिएंट्स जरूरी है, उसके अलावा पर्सनलाइजेशन है, कस्टमाइजेशन है। जैसे कहते हैं ना, आपने शेफ को रिक्वेस्ट किया एंड शेफ इज गोइंग टू मेक इट फॉर यू, सेम वे आप अपने घर में अपने हिसाब से बना सकते हो। बेसिक टेक्निक आपको बताता हूँ। जो चपातीज हमने मैदे के टॉर्टियाज पहले बनाए थे सॉफ्ट वाले, ये सेम है, मैदा थोड़ा सा, उसमें बटर है, सॉल्ट है, थोड़ा सा दही नहीं तो मिल्क है एंड पानी। उससे सॉफ्ट डो बनाया, एक घंटा रेस्ट किया, पतले पतले रोल करने के बाद इसको आप हल्का सा पका लें। इसको भी फुल डन करने की या एकदम क्रिस्प करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेकेंड कुकिंग होने वाला है एंड सिंस ये पतले हैं इसलिए भी जल्दी पक जाते हैं। एक तरफ मैं अपना इंडक्शन भी गरम कर लेता हूं साइड बाय साइड, जब तक ये इंडक्शन पे हमारा ये कास्ट आयरन का तवा रेडी है, ये गरम हो जाएगा। कास्ट आयरन का पैन है जिसको आप तवा कहते हैं, कोई भी फ्लैट हो, कास्ट आयरन नहीं है तो आप नॉनस्टिक यूज करें, लेकिन जब आप तवा यूज करते हैं लोहे का तो आपके हेल्थ को भी फायदेमंद होता है। ट्रेडिशनल कुकवेयर विच इज मेड आउट ऑफ कास्ट आयरन विच इज एक्सट्रीमली हेल्दी एज वेल, इट एड्स वैल्यू टू योर फूड, इट एड्स न्यूट्रिशन टू योर फूड, सो यू शुड यूज एज मच एज पॉसिबल ट्रेडिशनल कुकवेयर लाइक मेड आउट ऑफ आयरन, मेड आउट ऑफ ब्रास, मेड आउट ऑफ कॉपर, मेड आउट ऑफ स्टोन। प्लास्टिक इज नॉट सो गुड फॉर हेल्थ, ग्लास इज ओके, सिरामिक इज ओके, बट देन जो बाकी मेथड्स है, बाकी जो नॉनस्टिक यूज करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, इट इज अ पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट विच कम्स, द कोटिंग दैट कम्स, सो इट मे नॉट बी एज हेल्दी फॉर यू इन द लॉन्ग रन, सो वन हैज टू बी केयरफुल। प्लस वी हैव सीन ऑन टीवी दैट दोस पीपल इन ओहाका दैट सिचुएटेड इन मेक्सिको, the women of Oaxaca, they are so matriarchal and the society supports women so much and they are embracing their culture, they are embracing their traditions, they are embracing such, and it's so nice to see, and you can India can relate so much. Of course, since they being an old culture, old tradition, just like old us. Food things, just like us. You know, they were the Aztecs who made Mexico what it is. Then the Spanish came and everybody else came. But the traditional Aztecs, the food, most of it reflects from there. जो पहले मैंने आपको बताया था, refried beans, राजमा का पेस्ट जिसको हमने तड़का किया था और उसको हमने इस पे चपाती पे लगा लिया है और इसके ऊपर सिंपल, अगर आप जैसे मैंने बताया नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज यूज करें, अगर वेज है तो वेज बॉइल्ड वेजिटेबल्स, या इनफैक्ट ये सिंपल तरीका है, आप ये भी कर सकते हैं घर में, जो आपके पास अगर फ्रिज में कुछ सब्जियां बच जाती है, चपाती बच जाता है, नेक्स्ट डे दिस इज अनदर फंडामेंटल बेसिक यूज, डोंट वेस्ट एनीथिंग, नॉट ओनली नाउ बट इवन व्हेन लॉकडाउन ओपन्स, फूड इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ अस डोंट गेट इनफ ऑफ, दिस लॉकडाउन हैज टोल्ड अस मच मोर अबाउट इट। Even well to do when things are not available, it's not that you can't afford it, but there is nothing available. What do you do?
सो जो भी लेफ्ट ओवर्स हैं इसको आप इस नए तरीके से, इसका आप रूप चेंज करके इसको आप सर्व कर सकते हैं। लेटस नॉर्मली होता है बट हमारे पास इस वक्त लेटस नहीं है, तो श्रेडेड कैबेज, अनदर गुड वे ऑफ एडिंग फाइबर टू योर फूड, एंड दिस इज रॉ कैबेज। बाकी जो वेजिटेबल्स थी वो पकी हुई थी बट कैबेज इज रॉ। इसमें थोड़ा सा सालसा डाल दें अंदर, उससे क्या होगा आपका खाने का टेस्ट और चटपटा हो जाएगा। हमारा फेवरेट अगेन थोड़े से पिकल्ड वेजिटेबल्स, उससे भी हमारा खाने का बहुत टेस्ट बढ़ जाएगा, थोड़ा सा चटपटा हो जाएगा। साइड बाय साइड हमारा तवा गर्म हो रहा है, आप देखें तवा वार्म हो गया है, उस पर मैंने हल्का सा घी अप्लाई कर दिया है। आप घी की जगह में आप चाहिए तो ऑलिव ऑयल यूज करें। इसको आपके पास में जो भी चीज अवेलेबल है, आपके पास नॉर्मल प्रोसेस चीज है जो जैसे हमने पहले टैको के ऊपर डाला था प्रोसेस चीज है वो डालें, लेकिन अगर आपको चाहिए, नॉर्मली मैक्सिकन्स यूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ चीज विच इज वेरी स्ट्रिंगी, बट उनका स्ट्रिंगी चीज हमारे पास नहीं है, तो जो चीज हमारे पास अवेलेबल है इसका स्ट्रिंगी चीज है मोजरेला चीज, जैसे मैंने बताया जो अवेलेबल है उससे आप इसको बना सकते हैं। ये मिक्स है ऑलरेडी चेडर और मोजरेला का। टेस्ट के साथ साथ ये आपके उसको स्ट्रिंगीनेस भी देगा, टेक्सचर भी ऐड करेगा। एंड एट दिस स्टेज द डिफिकल्ट पार्ट इज आफ्टर सो मच ऑफ लोडिंग दिस कैसेडिया हाउ टू क्लोज इट। दिस इज एन ओवरलोडेड कैसेडिया नाउ, इट्स नॉट अ कैसेडिया अ सिंपल वन, दिस इज एन overloaded one, yeah, but then all vegetables full of goodness, all healthy ingredients, things made easily available at home, simple तरीके हैं। यह आपका तवा गर्म हो गया है, आपने सुना कैसे ये सिजल हो रहा है, देखिए हल्का सा इसको प्रेस करें, जब आप इसको ऐसे फ्राई करेंगे, जब आप इसको ऐसे गरम करेंगे वापस सेकेंड टाइम, आपके ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एनीवे कुक, बट जो चीज है अंदर तक आपके फिलिंग्स अंदर तक गरम हो जाएगा, चीज मेल्ट हो जाएगा। यही प्रोसेस को अगर आप चाहते हैं तो हल्का सा ऑयल ब्रश करके आप इसको अवन में भी फिनिशिंग कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस। Wow, you can see now how the color has changed. It has got slightly more cooked and become more crispy. Looks very nice. You can always avoid the ghee if you want and have refined oil instead. But then the health that is added with natural good fat, which is called ghee and butter, is irreplaceable. Refined oil, again, have if you the doctor prescribes for you. But if you can have dairy fat in limited quantity, which is your butter and olive oil, good fat from India, you should prefer to have that.
Now this is the overloaded, this is the vegetable quesadilla that we are making, Indian style, I would say, Indian style Tex-Mex cuisine. Though it is a technique of Tex-Mex quesadilla, the dish itself is Tex-Mex, but then we have tried to Indianize it a bit because hum logon ko chatpata zyada pasand hai, just like the Mexicans. In fact, they eat more number of chilies, more varieties of chilies than we eat. Hamare paas to chilies India mein bahut kam time pe aaya hai. And that's done. Oh, you can see that. You can see the cheese coming out and the spring of the cheese. That's mozzarella cheese. You can see the cheese which has come out, cheese has melted and it's beautiful. ट्रेडिशनली इसके साथ भी सेम अकम्पनीमेंट्स जाते हैं. ये हो गया आपका वेजिटेबल केसेडिया विथ सार क्रीम एंड टमेटो सालसा. अगर आपको पसंद है और टमेटोज के अलावा और भी तरीके हैं सालसा बनाने के, जैसे मैंने आपको बताया था रॉ टमेटोज के तो हैं ही हैं, रोस्टेड टमेटोज के हैं, मैंगो के बनता है, वेरी सिमिलर प्रोसेस जो आप कर रहे हो. हाँ सॉरी, आई मिस टू टेल यू अबाउट द ग्वाकामोले. अगेन अ वेरी वेरी ट्रेडिशनल अकम्पनीमेंट टू मैक्सिकन फूड. आप वो नाचोज हो, टैकोज हो, केसेडिया हो, बुरीतोज हो, अगेन अ साइड डिश. इट्स लाइक अ डिप जिसमें आप राइप अवोकाडो को शेल निकाल के उसके उसको निकाल के क्लीन करके फ्लैश को उसको चॉप अप करते हैं, रफली मैश करते हैं फोक से या नाइफ से, और उसमें थोड़ा सा लेमन जूस, ऑलिव ऑयल, चिलीज, कोरिएंडर, कुछ लोग अनियन, टमेटोज भी डालते हैं, पसंद करते हैं, सब अपने पसंद के अनुसार है. द बेसिक इज इट हैज टू बी अवोकाडो मैश विथ लेमन जूस एंड सॉल्ट. उसके अलावा फ्लेवर्स कैप्सिकम डालते हैं कुछ लोग, अनियन डालते हैं, टमेटो डालते हैं, कोरिएंडर डालते हैं, चिलीज डालते हैं, दैट इज गुआकामोले. बट अदर देन दैट, ये तीन जो टिपिकली एंड वेरी कॉमनली सीन, बहुत सारे और साल्साज हैं, मैंगो का बनाते हैं, पपाया का बनाते हैं, पाइनएप्पल का बनाते हैं, सो ये सब भी बना सकते हैं. इसमें फ्रेश फ्रूट जो जो आप नाम बोलते हो, जो साल्सा है वो ज़्यादा इंग्रेडिएंट है, वो सबसे ज़्यादा होता है क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा. उसके अलावा फ्लेवर करने को और उसको टेक्सचर देने के लिए सेम वे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, चिलीज जितना आप खा सकते हो उस हिसाब से चिली करें. कुछ लोग उसमें जीरा पाउडर भी डालते हैं फ्लेवर करने के लिए, सॉल्ट होगा बाइंड करने के लिए या सब कुछ को एक साथ मिक्स करने के लिए, हल्का सा केचप होगा, चॉप अनियन, चॉप टोमेटो, चॉप कैप्सिकम, ये बेसिक है. जो अनियन, कैप्सिकम, टोमेटो एंड अनियन विद कोरिएंडर, इसको पीको दी गायो भी कहते हैं, ये एक बेसिक सॉस कॉन्डिमेंट गुड फॉर कुकिंग और टू स्टार्ट एनी साल्सा. ये पीको दी गायो हमेशा यूज करते हैं, बट कोर इंग्रेडिएंट, द मेन इंग्रेडिएंट कैन बी एनीथिंग एल्स which is in season or which is local. Could be, as I said, mango, pineapple, papaya. Most commonly seen is tomato and avocado. So those are the two dishes that we have done today. Shivani, you enjoyed making it? Of course, I loved. I love. And how do you like to eat it? I love Mexican cuisine, especially when it's overloaded with cheese and spreads and stuff like that. And if it's a mole, it's like the cherry on the top. Just because it has cheese you like it more, or also because of the chilies that you like it more? Also you, because of the chilies. I'm like a chili fanatic. I'm like the only can one. Can you tell what is the difference between burrito and taco? Okay,
टैको जो है, टैको जनरली थोड़ा सा छोटा होता है साइज में, एंड टैको कैन बी सॉफ्ट शेल जैसे हमने आज बनाया, इट कुड बी हार्ड शेल जो आप नॉर्मली देखते हो ना, ऐसा फोल्डेड आता है टैको शेल मार्केट में ऑलरेडी, ऐसा एक फोल्ड यू शेप में आता है, यू जस्ट पुट द फिलिंग इनसाइड, सो टैको शेल्स वैसे आते हैं. सो टैकोस आर जनरली सर्व्ड ओपन. अ बुरितो इज जनरली सर्व्ड विद अ मच बिगर टॉर्टिया, ओपन टॉर्टिया फर्स्ट, देन यू पुट द फिलिंग्स. अगेन बुरितो टिपिकली नॉट ओनली हैज वेजिटेबल्स, सालसा, रीफ्राइड बीन्स, बट इट ऑल्सो चीज एंड अदर वेजिटेबल्स एंड मीट और नॉन वेज और फिश और प्रॉन और वट एवर यू लाइक. सो इट हैज मेनी अदर फिलिंग्स, बट वन ऑफ द अनदर की इनग्रीडियंट डिफरेंस, बुरितो विल ऑलवेज हैव मैक्सिकन राइस और अ टोमेटो राइस इन साइड. सो बुरितो इज लाइक अ वेरी बिग मील, यू कांट हैव मोर देन वन बुरितो. बुरितो इज जनरली अ बिग रोल, वेर एज टैकोज आर जनरली मेड स्मॉलर एंड गिवन एज ओपन और इवन फोल्डेड अप, बट अ बुरितो इज जनरली मेड लाइक अ रोल and then it can be cut into one or two, and a burrito generally is made large, so the chapati can be probably, you know, more than 10-12 inches size, and then everything is loaded it and then rolled up, and then in fact the burrito can also be topped up with various sauces, salsas, cheese, and then again baked a second time. Some bake it, some give the burrito just like a roll with everything inside. It depends on where you're eating and the speciality, the cuisine, the recipe that somebody is following. What about mango salsa? How do you make that? Okay, as I said, the mango salsa is very similar to your tomato salsa. Aap tomatoes ko, jaise humne aapko dikhaya tha, tomatoes were the highest quantity, the biggest quantity when we mixed proportion mein, aap usme mangoes zyada rakhe. Mangoes ko flavor karne ke liye ya mango salsa mein baki flavorings jo hai, chopped tomato thoda dalein, capsicum thoda dalein, coriander thoda dalein, onion thoda dalein, salt. थोड़ा सा अगर आपको बाइंड करने के लिए या थोड़ा सा खट्टा मीठा चाहिए, केचप यूज़ करें, अप टू यू, अदरवाइज आप शुगर से बैलेंस करें. अगर आपका ऑटोमेटिकली आपका मैंगो खट्टा मीठा है तो आपको केचप अवॉइड कर सकते हो. थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या जो भी ऑयल आप पसंद करते हैं उसको बाइंड मिक्स करने के लिए अच्छे से. चिलीज हमने आज ग्रीन चिली, लोकल इंडियन वराइटी, इसका कोई नाम नहीं होता, इसकी कोई वराइटी नहीं होती, इज अ स्पाइसी ग्रीन चिली दैट वी हैव यूज्ड. यू कैन यूज द various types of chili that one can find in your own house, in your own market. Aaj to humne use kiya, this is a simple green chili, this is the spicy variety though. Agar aap jyada spicy nahi khate to aap moti wali badi mirch ko use kare. Jaise humne aapko pickled onion banaya hai, aap same way market mein jaise aap market se aap ye khareedte hain bottle mein jalapeno chilies, agar aap India ke jo moti mirchi hai jiske aap pakode banate hain, अगर वो मोटी मिर्ची आपके पास है, पकोड़े वाली मिर्ची, जोधपुरी मिर्ची, राजस्थानी मिर्ची, अलग अलग नाम है, कश्मीरी मिर्च कुछ लोग कहते हैं, जो मोटी बड़ी ग्रीन चिली होती है बड़ी वाली, वो आप यूज़ करें और उसको आप पिकल करें. एक दिन पहले गरम विनेगर में स्लाइस करके गरम विनेगर में डाल दें, थोड़ा सॉल्ट और शुगर के साथ, और आपका पिकल चिली तैयार. एक दिन के बाद आप उसको खा सकते हैं और ऑलमोस्ट 15-20 डेज आप फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा. और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, मैं फटाफट आंसर करने की कोशिश करूंगा. व्हाट आर द सीजनिंग्स यूज्ड इन नॉर्मल साल्सा? टुडे द सीजनिंग दैट वी हैव यूज्ड फॉर आवर साल्सा इज जस्ट प्लेन सी सॉल्ट. वी हैव यूज्ड अ लिटिल बिट ऑफ पेपर पाउडर. आई थिंक सीजनिंग वाइज दिस इज द ओनली टू थिंग्स वी यूज्ड. यस, वी डिड फ्लेवर इट विद अ लिटिल बिट ऑफ केचप. टोमेटोज कभी कभी खट्टा होता है तो हमने उसको बैलेंस किया है. एंड ऑलिव ऑयल इज वन ऑफ द की इन्ग्रीडियंट्स और एनी ऑयल दैट यू यूज. ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप अपने हिसाब से कोई ऑयल यूज करें और उसको आप सालसा में मिक्स करें. ये आपका जो होता है सॉस को एक तरह से बाइंडिंग देता है, सब कुछ को एक साथ एकजुट हो जाता है, एक जरा सा फ्लोइंग टेक्सचर, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हो जाता है, वरना ऑल द चॉप पीसेज में बी जस्ट फ्लोइंग, यू नो, दे डोंट गेट टुगेदर. सो ऑयल हेल्प्स इट टू ऑल पुट टुगेदर. कंसिस्टेंसी अच्छी आती है सालसा में, एंड ऑफकोर्स इट एड्स टेस्ट एंड हेल्थ. ऑलिव ऑयल यूज करें तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू यूज. How much time vinegar should be warm? अगर आप ये पिकल्ड अनियन की बात कर रहे हैं, ये तो हमने कोल्ड बनाया है, इस पिकल्ड अनियन को गर्म विनेगर की जरूरत नहीं है. बट अगर आप कुछ और वेजिटेबल्स पिकल करना चाहते हैं, देन यू रियली हैव टू हीट अप द विनेगर. इट नीड नॉट बॉयल, बट यू ब्रिंग इट रियली हॉट, यू नो, मे बी अगर आप टेम्परेचर घर में अंदाज से करते हो, जितना पानी आप हाथ ना लगा पाओ उतना गर्म, बट पूरा बॉयल करने की जरूरत नहीं है.
तो मे बी दैट विल बी अबाउट 70-75 डिग्रीज, दैट इज गुड इनफ। उतना आप विनेगर को गर्म करें, उसमें सॉल्ट एंड शुगर दोनों चाहिए। सॉल्ट एंड शुगर जब आप खुद विनेगर या पिकल्ड वेजिटेबल बना रहे हैं, ऐसा पिकल बनाने के लिए आप उसमें जो हमने जैसे कैरेट है, कॉलीफ्लावर है, स्मॉल गर्किंस विच इज कुकुम्बर, आप बहुत लोग बाजार में गर्किंस खरीदते होंगे, आप घर पे बना सकते हो। कुकुम्बर को बड़े बड़े चंक्स पे या मोटे मोटे स्लाइस पे करिए, काट लीजिए, विनेगर को गर्म कीजिए, सॉल्ट शुगर डालिए, अगर फ्लेवर करना चाहते हैं दो चार पेपरकॉर्न, एक आध ग्रीन चिली, एक दो क्लव्स या सिनेमन, कुछ लोग डिल लीव्स यूज करते हैं, स्पेशली इन अमेरिका दे ईट अ लॉट ऑफ डिल पिकल, दे कॉल इट डिल पिकल इज वॉट, जो शेपू भाजी है, सोया भाजी है, डिल लीव्स जिसको कहते हैं, दैट इज पुट इन द विनेगर अलॉन्ग विथ थिक स्लाइसेस ऑफ कुकुम्बर एंड दैट इज कॉल्ड अ डिल पिकल, दे कॉल इट। सो सेम वे आप बनाएं, 70-75 डिग्रीज में विनेगर गर्म करें, दैट इज गुड इनफ। मिर्च हो, जैसे मैंने बताया आप कुकुम्बर का पिकल बना सकते हैं, कैरेट के पिकल बना सकते हो, कोई भी ऑलमोस्ट एनी हार्ड वेजिटेबल यू कैन पिकल एंड ईट इट, इट्स अ गुड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑल्सो। एप्पल साइडर विनेगर कैन बी यूज्ड, एनी विनेगर इज गुड, ट्राई टू अवॉइड एनी आर्टिफिशियल विनेगर विच इज जस्ट प्लेन एसिटिक एसिड, डोंट बाई द वाइट विनेगर दैट कम्स इन द मार्केट, दैट इज प्लेन एसिटिक एसिड विथ वाटर, सो वो आप अवॉइड करें। एनी नेचुरल विनेगर, इट बी रेड वाइन विनेगर, ग्रेप विनेगर, प्लेन मॉल्ट विनेगर जिसको इंडिया में कहते हैं, नॉर्थ में पंजाब में हम लोगों के पास गन्ने का विनेगर मिलता है, एप्पल साइडर विनेगर, एनी काइंड ऑफ नेचुरल विनेगर इज गुड फॉर हेल्थ। इफ यू आर जस्ट बाइंग दैट मोस्ट सस्ता वाला 20-25-30 रुपी बॉटल जो आता है वाइट विनेगर विच इज जस्ट प्लेन एसिटिक एसिड, नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ, इट डज नॉट एड एनी हेल्थ टू यू, सो अवॉइड बाइंग दैट। इफ यू आर बाइंग फॉर योर ओन कंजम्पशन, use good vinegar, red wine vinegar, balsamic vinegar, any vinegar is good. Can you do a recap of how to make soft tortillas and salsa? Okay, so the request is for recap recipe for the salsa jo aaj humne banaya tha wo hai tomato salsa, uske liye aap ye bowl mein dekh sakte hain, isme humne chopped tomatoes, chopped onion, chopped chilies, chopped coriander, chopped capsicum, सब कुछ मिक्स किया है। क्वांटिटीज टिपिकली बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, हर चीज़ अगर आप अनियन कैप्सिकम अपने हिसाब से मिक्स इक्वल क्वांटिटीज ले सकते हैं, टमेटोज डबल या ट्रिपल क्वांटिटी उसका लीजिए, चिलीज टेस्ट के अनुसार, और उसको फ्लेवर सीजन करने के लिए सॉल्ट पेपर टोमेटो केचप 1 स्पून, विनेगर सॉरी ऑलिव ऑयल 1 स्पून, एंड उसको मिक्स कर लें, दैट इज योर सालसा एंड चॉप कोरियंडर लीव्स टू फिनिश ऑफ। सालसा 2-3 दिन अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-3 दिन बना के फ्रिज में रखें, कंटिन्यूसली यूज करें, बहुत टेस्टी रहता है। एक दिन के बाद और सेकेंड इसका टेस्ट टेक्स्चर सब और चेंज हो जाता है एंड कम्स आउट इवन मोर ब्यूटिफुली। सॉफ्ट टॉर्टिया जैसे आपने पूछा, तो इट इज़ अ वेरी प्लेन एंड सिंपल मैदे का डो है। मैदे में हमने टिपिकली वो लोग तो सिर्फ मैदा या मकई का आटा यूज़ करते हैं, उसमें वो लोग लार्ड सॉल्ट एंड वाटर यूज़ करते हैं, लेकिन हमने उसको ज़रा सा और टेस्ट अच्छा करने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए, ज़रा सा और रिच करने के लिए हमने मैदे में थोड़ा सा बटर डाला है पहले, फिर सॉल्ट एंड दही, नहीं तो दूध जो भी आप चाहिए, एक एक दो दो स्पून डालिए, और फिर बाकी हल्का पानी डाल के उसको सॉफ्ट डो गूंद लें, 1 घंटा रेस्ट करें, 1 घंटा रेस्ट करने के बाद आप उसको रोल करें और पतली चपाती लाइटली कलर करें, ज़्यादा कुक नहीं करने की ज़रूरत है और तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तेल लगाना है जब आप उसका केसेडिया बनाएंगे तब आप तेल लगाएं। इनफैक्ट नॉट नेसेसरी दैट आप मैदा खाएं या मके का आटा के लिए वेट करें, अगर आपके पास में आटा है या आपकी चपाती इस घर में बच गई है तो आप इसको सेम इस तरह से सर्व करें, और बच्चों को बड़ों को बोलें कि अलग तरीके से सर्व हुआ है आज, चपाती सब्जी को अलग तरीके से प्रेजेंट करें टेक्स मैक्स क्विजीन स्टाइल में। इंग्रेडिएंट्स आर वेरी सिंपल, जो हमने आज यूज़ किया है ये सब हमारे घरों में कॉमनली अवेलेबल है, इसीलिए बनाया है, लॉकडाउन की रेसिपी है, सिंपल बेसिक चीज़ों के साथ सिंपल रेसिपी, सिर्फ टेक्निक और स्टाइल थोड़ा सा अलग है। एनी अदर राइप फ्रूट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ मैंगो? यू कैन
यूज एनी थिंग यू वॉन्ट, अल्टीमेटली इट इज यू एंड योर फैमिली हु आर गोइंग टू ईट. सो आपको जो पसंद है, स्पेशली इफ इट इज इन सीजन, इफ इट इज लोकल. आज हमने पोमग्रेनेट यूज किया है टैको के ऊपर डालने को. आप पोमग्रेनेट को साल्सा में भी मिक्स करके खा सकते हो. कई बार हम लोग इसमें ग्रेप्स यूज करते हैं. आपको एक तरीका बताया है कैसे यूज कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने पर्सनलाइज और कस्टमाइज जैसे आपके घर में अवेलेबल है और जो आपके घरों में पसंद करते हैं, आपकी फैमिली को जो पसंद है, आप वैसे बनाएं, एंजॉय करें. आर देयर एनी मोर क्वेश्चंस? देन आई एम रेडी टू टेक इट, अदरवाइज वी विल बी वाइंडिंग अप. हाउ टू मेक टैकोस हार्ड फोल्डेड? हार्ड टैकोस जो है उसका थोड़ा सा टेक्निक है. अगर आप चाहें तो ऐसे ही जैसे हमने आज चपातीज बनाई है, इसको आप एक पाइप के ऊपर फोल्डेड रख के, एक कोशिश करता हूँ टेक्निक दिखाने का, अभी बनाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको एक टेक्निक बता दूंगा, आप कोशिश करें. एक सेकेंड, आई जस्ट टेक वन सेकेंड एंड देन आई गिव यू द टेक्निक ऑफ दिस. अगर आपके पास आपने मकई का है चाहे मैदा का है, ऐसा एक ग्लास आप ऐसा रेस्ट करें, इसको आप ऐसा रेस्ट करें और ऐसे मल्टीपल 2, 4, 6 जितना भी आपके अवन का साइज है और ट्रे है, ऐसा रेस्ट करें और इसको आप अवन में थोड़ी देर के लिए टोस्ट होने के लिए छोड़ दें. प्री हीटेड अवन हो 180 टू 200 डिग्री, अगर आप ऐसा इसको अवन में छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो ये क्रिस्प हो जाएगा. और आने के बाद एक बार ये क्रिस्प हो गया तो ये ऐसा ही होल्ड करेगा. अभी ये सॉफ्ट है, अवन में बेक करके आप इसको ऐसा क्रिस्प टॉर्टिया शेप, टैको शेल जिसको हम कहते हैं, इसको टॉर्टिया कहते हैं और इसको जब हम शेप कर देते हैं तो उसको टॉर्टिया या टैको शेल कहते हैं. तो ऐसा टैको शेल आप घर पे भी बना सकते हैं. टिपिकली जो मार्केट में आता है वो मैदे के अलावा, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें ऑलमोस्ट 60-80% मकई का आटा यूज करते हैं, तो थोड़ा सा येलो कलर और थोड़ा सा टेक्सचर एंड टेस्ट अलग हो जाता है. और उसको आप अगर मकई का आटा घर पे है वैसे बनाएं, नहीं तो आप चपाती का, मैदे का, आटे का आप बनाएं, ट्राई करें. अगर कुछ और टिप्स चाहिए तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन फेसबुक एंड आई बी हैप्पी टू क्लैरिफाई एंड गिव यू मोर टिप्स ऑन द फूड. एनी अदर स्टफिंग फॉर केसेडियास? एज आई सेड, दिस इज अ वेरी बेसिक रेसिपी ऑफ वॉट इन्ग्रीडियंट्स वर अवेलेबल. आप इसको कैसे भी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं. अगर आपके पास राजमा नहीं है, छोले हैं, छोले यूज करें, उसका रिफ्राइड बीन्स बनाएं जिसको हम मिडिल ईस्टर्न क्विजीन में हुमूस कहते हैं. बट टेक्निक थोड़ा सा अलग है, फ्लेवर्स चेंज हो जाएंगे. जो आपके पास अवेलेबल है, आपके पास लोबिया बीन्स है वो आप यूज करिए, आपके पास काले चने हैं वो यूज करिए, आपके पास में ग्रीन चने हैं, मटर है, वटाना है, जो है वो यूज करें. अल्टीमेटली द आइडिया इज टू यूज इंग्रेडिएंट्स दैट इज अवेलेबल, व्हाट यू हैव एट होम एंड द टेक्निक और द यूज ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स. एक बीन की जगह, जैसे हमने बताया आपको कि वो लोग कई जगह पिंटो बीन्स यूज करते हैं, इंडिया में पिंटो बीन्स इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो हम मोस्टली राजमा बीन्स ही यूज कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग. इन सम पार्ट्स ऑफ मेक्सिको दे यूज राजमा बीन्स, सो वी यूज ओनली राजमा बीन्स और मोस्टली वी यूज राजमा बीन्स इन इंडिया. बट देन आपके पास जो बीन्स अवेलेबल है वो यूज करें, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट. आप इसको वेज को नॉन वेज रेसिपी बना सकते हो. इंश्योर कि जो पहले आप फिलिंग कर रहे हो कुछ चीजें उसमें पकी होनी चाहिए. जैसे हमने इसमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स, आपने देखा था ये वेजिटेबल्स प्री बॉइल्ड है, मिक्स वेजिटेबल है, प्री बॉइल्ड है, क्योंकि इसमें हीट बहुत जल्दी अंदर नहीं जाता है. इतना ही है कि चीज मेल्ट हो जाए, बट बाकी जो चिकन या आपको फिश डालना है, प्रॉन डालना है, उसको पहले से कुक करें और फिर स्टफ करें. It will be very nice. As per your choice, you can always customize the fillings. Any brand you suggest for vinegar? One definitely I know which is used by a lot in the Parsi community called Kola's vinegar. Available from Gujarat to Maharashtra and Mumbai particularly. Kola's vinegar, it's a malt vinegar, again naturally made. That is there. Otherwise, there are so many imported ones also available.
If you are in Goa, then I would recommend any coconut vinegar or toddy vinegar that we use. It is again fantastic. Brand-wise, whatever you get, use that. Can you introduce yourself and give your Facebook ID? Okay, my name is Sunit Sharma, chef. I live in Goa, work around the country, in Goa, around India and abroad. Worked for almost 20 plus years as an executive chef with various companies. Now I am a consultant and I run a company called Modern Hospitality Consultants with my wife and my daughter, who's our chief tasting officer, as I said, and my harshest and biggest critic. If we can satisfy her, if I can satisfy her taste buds, that means the world can be won. And I'm on Facebook as Sunit Sharma. You'll be able to see and recognize my picture. Can you use coriander powder for refried beans? Yes, please go ahead. As I said, jeera powder, coriander powder also some people use. The basic tadka is kidney beans mashed up with garlic and onion. But uske alawa aap usko flavor kare. Kuch log usme oregano dalte hain, kuch log usme chopped coriander dalte hain. कुछ और आपके पास हर्ब्स है जो आपको पसंद है आप वो यूज करें. इट इज ऑल एज पर यू. प्लीज कस्टमाइज द रेसिपी एंड डू गिव मी फीडबैक हाउ यू एंजॉय इट. इफ यू कैन डू सेंड पिक्चर्स, इफ यू कुक दीज रेसिपीज, सेंड मी अ पिक्चर, आई विल बी हैप्पी टू सी इट. आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड वी रन ऑलमोस्ट डन ऑल द क्वेश्चंस, सो आई विल टेक योर लीव. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ. Be at home, respect the country's decision of lockdown, don't take any chances, take care of your health, wash your hands well, and if you can't wash hands, use hand sanitizer as much as possible in between things, in between jobs, especially when you go out, if you have to go out, when you come back in, wash the clothes well, segregate, follow all concepts of hygiene and food safety. Take care. Jai Hind.